सो माय फ्रेंड, अभी हम एक न्यूज़ कवर करते हैं और वो न्यूज़ है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। ठीक है माय फ्रेंड, तो चलो देखते हैं क्या दिल्ली के पॉलिटिक्स में हो क्या रहा। ठीक है माय फ्रेंड, तो दिल्ली, पहले दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली दिल्ली में अगर लोकसभा सीट की बात करें तो वो 7 है, अगर विधानसभा सीट की बात करें, ठीक है, तो वो 70 है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके चीफ कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है फ्रेंड, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के चीफ हैं। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो झाड़ू है। ठीक है आपकी, इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू है। ठीक है, अगर मैं दिल्ली की आबादी की बात करूं तो लगभग 3 करोड़ 30 लाख है आबादी। ठीक है, तो ये सब एक जनरल सी बात हुई दिल्ली के बारे में। और मैं बताऊं तो दिल्ली का जो दिल्ली मेट्रो है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो है। ठीक है फ्रेंड, मैजेंटा लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, ये सब लाइनें हैं। ठीक है, तो चलो उसके बारे में जानते हैं आपके आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है उसके बारे में। देखो मैं फ्रेंड, अगर आपने वो राजीव चौक के बारे में सुना होगा, दिल्ली, न्यू दिल्ली में, अगर मान लो ये राजीव चौक है, बहुत ही फेमस चौक है। ठीक है, तो यहीं पे है आपका कैनॉट प्लेस, आपने सीपी के नाम सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखा होगा, चैनल देखा होगा जो सीपी पे, सीपी के पास शूट हुआ होगा। ठीक है, वही आसपास में बीजेपी का हेडक्वार्टर है। ठीक है ना फ्रेंड, थोड़ी सी दूर पे रॉज एवेन्यू जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली का वो है। ठीक है ना फ्रेंड, और उसी के बगल में आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है। तो जो आपका रॉज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका एक्सटेंशन होना है, तो उस एक्सटेंशन होने के कारण ये जो आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है उसे कहा जा रहा है कि वो रॉज एवेन्यू जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके कैंपस में आ रहा है। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट को, यानी आम आदमी पार्टी को, यहाँ से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये हो गया आम आदमी पार्टी के बाद, मतलब एक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो अब आते हैं मेन कंटेंट पे, आके दिल्ली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जो दिल्ली के सीएम हैं आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी। और जो वहां के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर वो हैं श्री विनय सक्सेना, विनय सक्सेना। तो ये वहां पे एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। तो देखो हो क्या रहा है आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। ठीक है, देखो दिल्ली की जो पॉलिसी बनी वो लिकर पे पॉलिसी बनी, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिकर पे पॉलिसी बनाई, लिकर मतलब शराब, जो शराब पे दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, यही सब इसी पॉलिसी के कारण आज जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जेल, उन्हें ईडी ने कस्टडी में ले लिया। ठीक है माय फ्रेंड, तो देखो हुआ क्या कि 2021 में वहां पे एक पॉलिसी बनाई गई, ये कहा गया कि जैसे देखो जो दिल्ली में जो लिकर शॉप है, तो ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा सर्वे करा गया और उस सर्वे में पाया गया, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे कराया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो लिकर शॉप है, जैसे मान लो एक बस्ती यहाँ है, एक बस्ती यहाँ है, एक बस्ती यहाँ है, एक बस्ती यहाँ है। ठीक है, तो उनका कहना था कि चलो एक बस्ती यहाँ ले लो, कुछ दूर में यहाँ ले लो। तो उनका कहना था कि जो मान लो ये 4 बस्ती एक साथ को मैं ले लूँ, तो इन 4ों बस्ती को एक साथ लेकर के एक लिकर शॉप यहाँ पे था। ठीक है, एक लिकर शॉप यहाँ पे मिला, उसके बाद फिर ये 2 बस्ती को लेकर के यहाँ पे एक लिकर शॉप खोला गया। अब यहाँ पे एक बस्ती है तो यहाँ पे एक लिकर शॉप खोला गया। कहने का मतलब ये है कि जो लिकर शॉप था दिल्ली के अंदर
वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, तो जिसके कारण क्या होता था कि जो डेली में लिकर शॉप पे कहीं बहुत ज्यादा भीड़ होता था, ठीक है। तो इसी के कारण से केजरीवाल जी के द्वारा एक लिकर एक्साइज पॉलिसी लाया गया, और उस पॉलिसी में बोला गया कि जो लिकर शॉप है वो इक्वली दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब हर क्षेत्र में इस तरह से लिकर शॉप खोला जाएगा ताकि जो भीड़ का जमावड़ा हो वो किसी पर्टिकुलर दुकान पे ज़्यादा ना हो पाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो वहाँ के प्राइस वगैरह था उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए, तो ये बेसिकली किया गया वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या मामला फंस गया कि आज केजरीवाल को, केजरीवाल जी को ईडी इतनी बार सम्मन कर चुकी है और उन्हें आज जेल भी जाना पड़ सकता है या पड़ जेल जाना पड़ा। तो देखो मैं फिर इसमें बात आ रही है, आप जानते होंगे तेलंगाना, तो तेलंगाना में बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की जो चीफ है के सविता, उनको भी ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो कहां दिल्ली नॉर्थ, कहां तेलंगाना साउथ, इन दोनों में ऐसा क्या लिंक पाया गया कि उधर केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा और इधर के सविता जी को अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा। तो देखो हुआ ये माय फ्रेंड कि जो एक्साइज पॉलिसी बना, उस एक्साइज पॉलिसी में कहा जा रहा था कि जो दिल्ली के सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, उन्होंने साउथ के जो लिकर टेंडर थे, मतलब जो उसको क्या बोल सकते हैं माय फ्रेंड, लाइक ठेकेदार कह सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि उस एक्साइज पॉलिसी में ऐसा प्रावधान बनाया गया कि जो दिल्ली के अंदर जो शॉप खुले हैं वो शॉप के अंदर जो लिकर प्रोवाइड करा जाएगा, मतलब होलसेल में जो दिया जाएगा वो साउथ की जो कंपनी है, साउथ के जो लिकर मेकिंग जो भी इंडिविजुअल है ग्रुप है उसके द्वारा, मतलब साउथ के द्वारा वो प्रोवाइड किया जाएगा दिल्ली में, ठीक है, लिकर। तो इसमें क्या हुआ कि ये टाई अप किया गया साउथ के साथ में, और कहा जा रहा था कि इसके साथ टाई अप करके केजरीवाल जी के द्वारा 100 करोड़ रुपीज आम आदमी पार्टी के द्वारा 100 करोड़ रुपीज लिया गया, ताकि इसलिए लिया गया ताकि ये लिकर को दिल्ली में बेच सके, ठीक है, यानी उनको दिल्ली की परमिट मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए अब जब ये मामला थोड़ा गंभीर हुआ तो ये मामला फिर वहाँ के जो गवर्नर थे वो गवर्नर ने गवर्नर को संदेह हुआ, गवर्नमेंट को संदेह हुआ, तो फिर ईडी और सीबीआई को ये जांच सौंपी गई, ठीक है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों को जांच ये सौंपी गई। और जांच में पाया गया कि जो इल्जाम लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईडी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो जांच में मिला वो ये बात सही है कि केजरीवाल की पार्टी ने, केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपीज लिया है साउथ की जो लिकर मेकिंग कंपनी है उससे, ताकि वो अपने लिकर को दिल्ली में सेल कर सके, ठीक है मैं। तो ये मामला था मैं, ठीक है। देखो ऐसे ईडी ने इस मामले में केजरीवाल जी को 9 बार सम्मन भेज चुका था, ईडी ने 9 बार सम्मन भेजा, और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो एक बार भी उस सम्मन को फॉलो करके ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो फिर कोर्ट से फिर ईडी ने 9th सम्मन जब भेजा, तब 9th सम्मन भेज करके फिर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है मैं फ्रेंड। तो ये हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो